प्यारी प्यारी लहरें मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। सारे लोग देख रहे हैं, हाय तो कर दे। गजब बेइज्जती है। गाइस ये है हम सारी फाइलें और 100 में से लगभग 200 नंबर ला रखे भाई ने। कौन है ये लोग? प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा। हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। सो एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है और अभी शाम का टाइम है, 5:30 समथिंग हो चुका है। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ एक्सरसाइज करने के लिए और एक्सरसाइज डेली करना चाहिए। देखो यहाँ पर लिखा है, ठीक है, कृपया इधर कूड़ा ना डालें और सबसे ज़्यादा कूड़ा वहीं पर रहेगा। आज की जनरेशन में यही होता है कि जहाँ पर लिखा रहता है कि कृपया यहाँ पे गाड़ी ना लगाए तो वहाँ पे गाड़ी लगाई जाती है, कृपया यहाँ पे ना थूपे वहाँ पे सबसे ज़्यादा थूपा रहता है। ये भगवान क्या जुलूम है। हमारे जो एग्ज़ाम है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं और आज का ब्लॉग यहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम ब्लॉग में बताया था कि मैंने अपना कॉलेज का काम सब आपको दिखाना था, तो इस ब्लॉग में मैं आज आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। फिलहाल मैं आपको देवभूमि उत्तराखंड का एक प्यारा सा शॉट दिखाना चाहता हूँ। सो गाइस ये अपना देवभूमि उत्तराखंड और यहाँ की सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी वादियाँ और ये प्यारा सा आपको जो ये नहर देखने को मिलेगा, इसकी जो ये प्यारी प्यारी लहरें हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देखिए आप, ये प्यारे प्यारे खेत जहाँ धान की खेती थी वो सारी हट चुकी है। बाकी ये वाला गाँव देखो कितना सुंदर है, लोग सब घूमने के लिए आ रहे हैं इस साइड पर। बाकी आप देख सकते हो बाकी मौसम क्या हाल ये है इस प्रकार से। तो गाइज अभी मैं एक ऐसे एरिया में आया हूँ, एक बार क्या हुआ था यहीं पे की बात है, मतलब यहाँ पर स्पेस की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो अभी तो इन्होंने ये भी लगा दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, पहले टाइम की बात है। तो जो गाड़ी है वो यहाँ पर गिरी थी। एक्चुअली ये होता है कि जब ये चीज़ें लगाई जाती है तो एक सपोर्ट मिलता है। हमारे देश में जब तक नुकसान नहीं होता है ना तब तक ये चीज़ें सही नहीं होती है। जैसे यहाँ पर गाड़ी गिरी उसके बाद ये चीज़ें लगाई गई, पर वही चीज़ है ना, पहले से ये चीज़ें होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर जो ये वाला एरिया है तो ये है बाग वाला एरिया, इसलिए यहाँ पर घूमने के लिए नहीं आते हम लोग ज़्यादा। थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो फाइनली गाइस आज की जो मेरी एक्सरसाइज है वो पूरा कंप्लीट हो चुकी है और थोड़ा डेली बेस पे मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ती है, जिससे मेरा थोड़ा माइंड जो है फ्रेश रह सकता है, बॉडी सेट रहती है। थोड़ा बहुत जो पढ़ाई करता हूँ उसमें भी दिमाग लग ही जाता है। फाइनली अभी मैं कमरे में भी आ चुका हूँ अपने और यहाँ पर देखो कौन आ रहा है, सारे लोग देख रहे हैं, हाय तो कर दे। गजब बेइज्जती है। दादी मुझसे नाराज हो रही है, वो तो गाइस दादी हाय आई लव यू बोल दो। कुछ नहीं बोला, चुप रहो। आई लव बोल दो ना यार। गाइस दादी नाराज है, बताएंगे दादी पूरा बैकग्राउंड हुआ है, वीडियो वीडियो तो एंटी नहीं ना क्यों रे गाइस। और देखो यार इतने लोग देख रहे हैं, सच में आपको लोग देख रहे हैं अंतर है। दादी के दांत टूट रखे, अब मैंने गया था तो दादी का ऐसा ऐड बचा जैसे मतलब बकरा को नहीं काटते। जैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बताना चाहूंगा कि मैं दादी को ले गया था, दादी मुझसे नाराज, पता क्यों? दादी को मैं कीर्तनगर ले गया था और दादी का मैंने दांत तोड़वाया और कीर्तनगर डॉक्टर तो काफी फेमस था, पर जब दादी ने वहां पे दांत तोड़वाया अपना तो दादी की बहुत चीखने की आवाज आई, खतरनाक वाली, क्योंकि दादी को बहुत ज्यादा दर्द हुआ। ये भगवान क्या जुलूम। आई लव यू डार्लिंग दादी, आई लव यू। ये इधर पांव गिट इधर दे इधर, ये इधर पांव बैठ रही है। तो गाइस अभी मैं अपनी दादी के लिए बना रहा हूँ चाय और ये देखिए स्पेशल चाय बनाएंगे और दादी बहुत नाराज है। तो गाइस इस ब्लॉग में मैं आपको फाइलें भी दिखाऊंगा कि मैंने जो फाइलें बनाई है कैसे बनाई है,
बाकी यहाँ पे हमने सब्जी वगैरह भी काट रखी है, आज का जो खाना होने वाला है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पेपर चल रहे हैं, दो पेपर हो चुके हैं, एक जेंडर वाला पेपर हुआ था और एक पाठ्यक्रम वाला पेपर हो चुका है। और अभी मेरे दो पेपर और बचे हैं, एक बचा है समावेशिक शिक्षा और दूसरा बचा है एनवायरमेंट, तो ये भी कम्प्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम मजा करेंगे। तो गाइस फाइनली हमारी जो चाय है वो रेडी हो चुकी है और बहुत टेस्टी वाली चाय बनाई है मैंने। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया गाइज, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था और देखिए ये छनी देख रहे हो, मतलब जो तेल था ना वो गर्म हुआ और मैंने क्या किया, गर्म तेल मैंने इसमें डाल दिया, मुझे लगा तेल को साफ कर रहा था छन जाएगा और देखो वो छनी को फाड़ दिया उसने। मैंने मम्मी को पूछा कि मम्मी जब चाय गर्म डालते हैं तो भाई छनी तो फटती नहीं है, पर जब तेल को डाला तो छनी फट गई। ये कारण क्या था समझ में नहीं आया। मम्मी ने कहा ऐसा ही होता है, बहुत गर्म होता है, एकदम अलग टाइप का लिक्विड होता है कई चीजें हैं और ये लिक्विड नहीं होता है, तो इसलिए छनी को फाड़ दिया उसने। अरे यार दादी इधर दो, मैं ले जा रहा था ना ऐसे 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 ले जाना है, तब देना है तुम्हें, तब वीडियो बनेगी। मैं ये सोच रहा था ऐसे दूंगा, ये देखो मेरी दादी, और मैं अपनी दादी को खुश करने के लिए चाय, दादी हंस लो, ये अब स्माइल दे दी मेरी दादी ने क्योंकि मैंने उनके लिए चाय बना दी ना स्पेशल, मतलब काम नहीं करूंगा तो पर खुश नहीं होंगे, काम करूंगा तो खुश हो जाते। इधर देखो तो दादी, यहाँ देखना, हाय करो एक बार, अरे हाथ ही लाओ ना, हिला रहा दादी हाथ, दादी हाथ ही लाओ, ऐसे करो, हाय दोस्तों। मैं बात करता हूँ कि पेपर में कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, तो आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने पेपर को अटेम्प्ट तो किया, पर उसमें सबसे बड़ी गलती ये कि 15 नंबर का क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं या किसी ने 5 नंबर के दो क्वेश्चनों को छोड़ दिया, ये बहुत बड़ी गलती है। वो कह रहे हैं कि यार पेज हम ज़्यादा नहीं लिख पा रहे, मत लिखो पेज ज़्यादा, कम लिखो पर कुछ अच्छा लिखो, सटीक लिखो, उससे भार ना हो, गप फालतू ना हो, तो अच्छा लिखो, उसके बेस पर लिखो, जो चीज़ पूछी जा रही है वो लिखो। तो इसमें मैं बताता हूँ आपको, जो पहला खंड जो आपका अ होता है उसमें होते हैं आपके टोटली क्वेश्चन 7 क्वेश्चन, जिसमें हमें 5 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, और उसके बाद आपका जो खंड बॉ है उसमें आपके 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन में आपको करने पड़ते हैं 3 क्वेश्चन। 15 कितना होता है, 45 होता है, और 5×25 जोड़ेंगे तो टोटल 70 नंबर हो रहा है। तो आराम से करना अटेम्प्ट, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो बहुत गलती करते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन छोड़ देते हैं, नंबर कहाँ से मिलेगी, 15 नंबर तो कट गए। अगर आप 15 नंबर में आप 2 पेज भी लिख रहे हो, है ना, आपने लिखा है, आपको नंबर मिलेंगे, चाहे आपको 5 मिल रही है, 6 मिल रही है, 4 मिल रही है, 8 मिल रही है, और कुछ ना कुछ तो मिलेगा, अगर आप लिखोगे नहीं तो कहाँ से मिलेगा। समझ रहे हो आप। नेक्स्ट पेपर समावेशिक शिक्षा है, मैं उसकी स्टडी करने वाला हूँ, ये वाला सेक्शन मैं लगाने वाला हूँ बहुत अच्छे तरीके से, सारे क्वेश्चन होंगे वो अच्छे से अटेम्प्ट होने वाले हैं, और इसमें मैं पूरी तैयारी करने वाला हूँ। कैरिकुलम वाला मेरा पेपर पूरे अटेम्प्ट किए हैं और मुझे लग रहा है कि मैंने इतना अच्छा नहीं दिया है, बाकी जो जेंडर वाला था वो काफ़ी अच्छा से मतलब अटेम्प्ट कर लिया था मैंने। दिखाना चाहता हूँ कि जो मेरी फाइलें हैं उनका काम मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसे फाइलें बनाई हैं, इस काम को देखो। और बीएड की बात करूँ तो काम बेहतर करो, परसेंटेज का फिक्र मत करो, अच्छा मिल जाएगा, मेहनत करोगे तो सर लोग दे ही देंगे नंबर। तो मैं आपको सबसे पहले फाइलें दिखाता हूँ, आप फाइलें देखो और फिर नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि जो फाइलें हैं वो कैसी लगी। सारी फाइलें और ये ट्रांसपेरेंसी है, बाकी इसमें एक फाइल नहीं है, एक फाइल मैंने किसी दोस्त को दे रखी है, तो इनको मैं थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगा हाईलाइट, क्योंकि ये ब्लॉग चैनल है, एजुकेशन का चैनल तो है नहीं, तो मैं इसमें आपको हाईलाइट दिखाता हूँ कि मैंने जो फाइलें हैं अंदर से कैसे बनाई है। ये है इंक्लूसिव एजुकेशन और ये इसका इंडेक्स है, बाकी फाइल को इस प्रकार से मैंने बनाया है, आप देख सकते हो, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में दिखाऊंगा। ये वाली नॉलेज एंड कैरिकुलम, तो इसका ये इंडेक्स हो गया और इसमें कर्म योग के बारे में लिखा है मैंने, तो इसको भी मैंने काफ़ी ज़्यादा डेकोरेट किया है वैसे, क्योंकि इसमें पुस्तक समीक्षा की है मैंने स्वामी विवेकानंद पे। अब बात करते हैं ऑप्शनल पेपर की, यानी कि आपको ऑप्शनल पेपर लेना पड़ता है, एक आपका एनवायरमेंट, दूसरा फिजिकल साइंस। तो इसमें ऑप्शनल पेपर में मैंने एनवायरमेंट लिया था और इसमें मैंने एनवायरमेंट के बारे में सर ने उत्तराखंड के बारे में दिया था लिखने के लिए, ये है। इसमें एक फाइल और थी जेंडर वाली, वो किसी के पास जा रखी है, बाकी आप योगा वाली फाइल देखो, योगा फाइल में हमने योगा के बारे में लिखा है, और ये इसकी फाइल है पूरी, किस प्रकार से योगा वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह भी दिखेंगे आपको। आप फाइल बनाओगे तो आपको फ़ोटोज़ वगैरह भी चिपकानी होंगी कि किस टाइम से आपने मतलब योगा शुरू किया है और आप डेली बेस पे वहाँ पे गए हो। अब बात करते हैं हाइजिंग फाइल की, तो ये हाइजिंग यानी कि स्वच्छता, ये मैंने हिमालय धार वाले जो स्कूल है उसको लिया था, बाकी ये पूरा देखने को मिलेगा।
फाइल आपको, इसमें लास्ट में पीछे हमें स्कूल के बारे में लिखना पड़ता है, ये है, और उसमें तस्वीरें भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये हाइजिंग फाइल हो गई आपकी, EPC 4 की है, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ होती है जो, इसमें आत्म अभिव्यक्ति के बारे में लिखा है। तो ये फाइल है, इसमें ये 10 ट्रांसपेरेंसी है, इसमें 5 SST की और 5 इसमें आर्ट की है, ये देखो। और ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से भी पढ़ाया जाता है। SST में मैंने हिस्ट्री को लिया है और दूसरा आर्ट वाला है, तो आर्ट में तो आर्ट ही का चलेगा, ड्राइंग वगैरह। तो गाइस फाइनली आपने फाइलें देख ली होंगी कि कैसे आपको फाइलें लगी, और जिन फाइलों को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, डेकोरेट वगैरह किया है, अच्छी वहाँ पे जो भी प्रेजेंट होगा अच्छे से दूंगा। बाकी अब जब पेपर हो जाएंगे तो उसके बाद वाइवा वगैरह है, और हमारे ट्रांसपेरेंसी का काम है, PPT यानी कि प्रेजेंटेशन है, तो वो एग्जामर आएंगे वो ही लेंगे, पर वो कब तक होगा वो पता नहीं, ये ब्लॉग भी कब पड़ेगा वो भी पता नहीं है। अभी मैं शूट कर रहा हूँ, मैं सेक्शन लगाने वाला हूँ बहुत तगड़ा वाला, यानी कि समावेशिक शिक्षा, और मेरे पास बुक्स भी नहीं है, बस जो सर लोगों ने थोड़ा नोट्स लिखाए थे वो अवेलेबल है। दूसरी बात मैं बात कर लेता हूँ, तो YouTube अपना साथ देगा और Google अपना साथ देगा, तो बहुत अच्छे होने वाली है तैयारी। तो ये है रफ नोट्स, और ये में सर लोग लिखाते तो कचड़ पचड़ हो रखा है पूरा आधा से ज़्यादा, तो इतनी अच्छी राइटिंग नहीं है इसमें। बाकी ये है रियल वाली जो प्रैक्टिकम फाइल है इंक्लूसिव एजुकेशन की, समावेशिक शिक्षा की, तो इसमें वर्क साफ रहेगा क्योंकि ये घर पे काम किया है तो साफ ही होगा, और प्रैक्टिकम वर्क है। तो बाकी इसमें समावेशिक शिक्षा के बारे में परिभाषा, अर्थ, उद्देश्य, आवश्यकता, महत्व, अनुसूचित जाति जनजाति जो भी है, और इसमें धर्मनिरपेक्ष के बारे में, तो विकलांगों के बारे में भी, यहाँ पे विकलांग जो बच्चे होते हैं, तो ये पूरा है, इसको भी हम समझेंगे, तो ये भी हम लगाएंगे, पूरा सेक्शन लगाएंगे, इसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या है समावेशी शिक्षा वगैरह। और यहाँ पे पिछड़े वर्ग के जो बालक होते हैं और विशिष्ट बालक किसे कहते हैं, सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। आपको बताना चाहूँगा कि इस सारे जो पेपर है वो भी मैंने देखे, पुराने पेपर देखने चाहिए क्योंकि उसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और नेक्स्ट पेपर जो है ये समावेशी शिक्षा का, आई होप कैसा जाएगा। हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से आप सभी का स्वागत है, और आज है समावेशिक शिक्षा का पेपर, तो तैयारी ठीक ठाक कर रखी है, देखते हैं कैसे जाता है। गाइस अभी कॉलेज में आ गए हैं और थोड़ी देर बाद हमारा जो पेपर है वो शुरू होने वाला है, और दीदी है मेरे साथ यहाँ पे, दीदी भी मोबाइल से देखने पे लगे, मतलब पढ़ा नहीं है कुछ इन्होंने, जिस टाइम पढ़ाई करनी है उस टाइम नहीं करना है ना, सबकी यही हाल है, सबकी यही हाल है। वो तो शुक्र हो गया आजकल मोबाइल है, वरना किताब कॉपियाँ रहती है ज़्यादा हाथ पे। दी ऑल द बेस्ट आपको, थैंक यू, अच्छे से देना, ओके थैंक यू सो मच। BEd में ना VIP लोग भी रहते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए आप, मतलब जो कार में आ रहे हैं, BEd वाले बल बेरोजगार होते हैं, इनको देखो ना कार लेके आ रहे हैं भाई, सच में तुम्हारी तो ऐसा लग रहा है नौकरी लग गई, कार वगैरह लेके आ रहे हैं भाई, तो ये भाड़े पे है हमारे नीरज भाई ने सारा पढ़ रखा है सारा, टेंशन नहीं लेना पेपर में, आराम से दो यार, 100 में से लगभग 200 नंबर ला रखे भाई ने। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, फाइलें भी सजा रही है खतरनाक तरीके से, इतना तो ब्यूटी पार्लर में लड़की अपना मेकअप नहीं करती जितना भाई ने फाइलों में मेकअप कर रखा, खतरनाक नंबर कमाने का सबसे बढ़िया तरीका है वो। गाइस अभी कार के अंदर आ चुके हैं भाई की, और ये भाई जी हमारे, इनको तो जानते हो आप, मैम भी देखो तैयारी कर रहे हैं। हेलो, इसकी जो तैयारी है कैसी है, बस अभी तैयारी चल रही है, देखते क्या होता है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से दो गाइस, दूसरे VIP आ गए देखो, BEd वाले, ये देखो ये भाई साहब भी कार लेके आ रखे भाई, मतलब बेरोजगार तो हमें यार भाई, ये देखो कार लेके आ रहे हैं भाई, कार तो बड़ी मस्त है यार इनकी, सच में रीत भाई, बहुत सब, क्या हाल है भाई, आज तो तुम बहकर हाथी लेके आ गए हो, वीर भाई बाहर आओ यार तुम, और ये वीर भाई को मैंने बाहर निकाल दिया, जैसे वहां पे मैंने सार्थक भाई को बाहर निकाला था, और तुम पीछे की सीट में जाओ। तो भाई कार कूर लेके आ रहे हो, इतने अमीर बन गए हो क्या, आज लेट हो गई थी ना, प्रवेश पत्र खो गया था मेरा, तो मुझे मार्केट जाना पड़ा थोड़ा, इसलिए थोड़ा तब भाई, बढ़िया है यार तुम लोगों का, बहकर बेरोजगार नहीं हो तुम लोग, वहां से हो रहे बढ़िया है यार, इसमें भी ऑडियो वाला सिस्टम है, हाँ। वीडियो का नहीं है ना, ना ना वीडियो नहीं है, अब नई वाली कारों में वीडियो का सब में नहीं होता, वो तो टॉप मॉडल में रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, और लॉक कर दिया उन्होंने, लॉक सिस्टम इसी से होगा ना, चलो बढ़िया है, तैयारी करके आ रखेंगे तकड़ी वाली, मस्त तैयारी, लास्ट पेपर है परसों, मजा आ जाएगा। जो VIP है वो कार में आ रहे हैं, ठीक है, उससे थोड़ा सा कम वाले VIP स्कूटी बाइक में रोजगार पैदल आ रहे हैं, सबसे ज्यादा बेरोजगार वाले ये है, देखो पैदल पैदल आ रहे हैं,
हेलो गाइस, आज का पेपर की तैयारी ठीक है? बहुत बढ़िया। गरीबों की सनी देओल अपना भाई। एक बेरोजगार और आगे बीआर बेरोजगार। तो गाइस वेद भाई हमारे साथ, और अभी पेपर समाप्त हो चुका है, तो पेपर है काफी बेहतर गया होगा। कैसा रहा आपका पेपर? एकदम मस्त और सबसे बेस्ट। तो गाइस यहाँ पे कुछ बच्चे हैं प्यारे प्यारे, ये कह रहे कि यार ऑटोग्राफ चाहिए, मतलब इन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी ब्लॉगिंग वाली, इनको ऑटोग्राफ देते हैं। यहाँ पे नजदीक लाओ ऑटोग्राफ पे, यहाँ नीचे लिखाओ। हम भैया देखिए, हम भैया को हमको हम भैया के ब्लॉग रोज डेली देखते हैं। ये YouTube है, ठीक है, YouTube के लिए है, और ये मेरा नंबर भी है 4180। रुक जा, देखिए हम अब भैया से ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। हाँ, वेरी गुड, बोलना ना चाहिए। ठीक है, और कोई है? अरे रुक जा, अरे सर मेरे हो सामने आओ यहाँ पे, अब बोलो बोलो क्या बोलो, हो गया। तो गाइस बच्चों ने ऑटोग्राफ ले लिया, ये सारे बच्चे हैं, और ये कह रहे थे कि ऑटोग्राफ दे दो, क्योंकि मतलब ये ब्लॉग वगैरह देखते हैं ना मेरे बच्चे आ रहे हैं। देखो ये प्यारा बच्चा, ये भी है। ये तो आज हमारा फाइनली पेपर समाप्त हो चुका है, वाइवा वगैरह स्टार्ट है कल से। और कुछ बोलना चाहोगे? अरे हाय करना है बस, और कुछ नहीं। चलो ठीक है, एक कार के अंदर बैठ चुके हैं मैडम लोग, उनको दिखाता हूँ। मेगा मैम गियर मत डाल दियो, पता चल रहा कार आगे। बिना चाबी वाली गाड़ी है क्या? नहीं। गाड़ी के साथ मजाक करते हुए, मजाक नहीं कर रही हूँ, सच चला रही हूँ।